गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल डिग फॉर नॉलेज. तो आज के वीडियो में हम कुछ पाइथन के प्रोग्राम्स करेंगे क्लास 6 की टेक प्रैक्टिस से. फर्स्ट प्रोग्राम इज प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फारेनहाइट यूजिंग द फॉर्मूला. अब देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करने आते हैं तो बच्चे को भले ही फॉर्मूला पता हो या ना पता हो, तो फॉर्मूला हमेशा गिवन होता है, क्योंकि उनका मेन मोटिव ये नहीं होता कि आपको उनको चेक करना है कि फॉर्मूला आता है कि नहीं आता. उनका मेन मोटिव सिर्फ ये होता है कि अगर आपको सब पता है, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, तो क्या आप फिर प्रोग्राम बना सकते हैं. तो उनको ये देखना है कि आप इसको पाइथन के सिंटेक्स यूज करके कैसे प्रोग्राम बनाने वाले हैं, उनको चेक ये करना. सो लेट अस बिगिन. अब देखिए, प्रॉब्लम को पहले एनालाइज कीजिए, क्या है, क्या करना है, सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें, फारेनहाइट में, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है ये. सो दैट मींस मुझे पहले कोई वैल्यू चाहिए होगी जो किस में गिवन होगी, किस यूनिट में गिवन होगी, सेल्सियस यूनिट में. फिर उसको कन्वर्जन के लिए आपको सीपीयू से कैलकुलेशंस करवानी है ये वाली. और जैसा कि मैं हमेशा बताती आई हूँ, कंप्यूटर एक मशीन है, उसकी मेमोरी में फिजिकली डेटा स्टोर होगा, उसके लिए वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, जहां पर जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो एक वेरिएबल में जाकर सेव होगी. सो सबसे पहले तो यूजर से एंट्री के लिए एक वैल्यू लेते हैं. अब हम अपने आप से सोचेंगे कि हमें किस टाइप का डेटा चाहिएगा, इंटीजर का चाहिएगा कि फ्लोट का चाहिएगा. तो यहाँ पर बेटर है कि जरूरी नहीं है कि वैल्यू जो सेल्सियस में है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी, वो फ्लोट में भी हो सकती है. तो इसलिए बेटर क्या रहेगा कि हम फ्लोट की वैल्यू यूजर से एंटर कराएंगे. हम क्या अज्यूम कर रहे थे, सेल्सियस है तो सी ही मान लेते हैं. जरूरी नहीं है सी, आप ए बी सी एक्स वाई जी कुछ भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर अभी के लिए मैं वेरिएबल ले रही हूँ जिसमें हम वैल्यू एंटर कराएंगे सी. आप कुछ भी ले सकते हैं, आप अपना नाम भी ले सकते हैं, वो सिर्फ लोकेशन का नाम होगा. सो सी इज इक्वल टू, अब क्या आएगा आपका डेटा टाइप. डेटा टाइप हमने क्या डिसाइड किया कि हम क्या लेंगे, फ्लोट. फ्लोट जो बच्चे भूल गए हैं सिक्स्थ वाले, फ्लोट वैल्यूज कौन सी होती है, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं इस तरीके से पॉइंट में जो वैल्यू लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोट वैल्यूज. फ्लोट टाइप का डेटा टाइप चाहिए. अब हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट चाहिए. तो उसके लिए क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे. सो इनपुट फंक्शन. अब फंक्शन के अंदर हम मैसेज पास करेंगे जो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं यूजर के लिए. तो यहां हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही आउटपुट स्क्रीन आए तो यूजर को क्या दिखाई दे, कि उसे पता चले कि उसे करना क्या है. यहां हम क्या चाहते हैं कि यूजर हमें क्या दे, एक वैल्यू दे सेल्सियस में. तो हम उसके बोल हम यूजर को मैसेज पास करेंगे कि काइंडली एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस. बेटे, जो आप यहाँ पर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में जो भी मैसेज पास करते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होता. वो आप चाहे कैसे भी लिखे, वो तो सिर्फ एक मैसेज है जो यूजर को दिखाई देगा. केस सेंसिटिव कौन कौन है, किन बातों का ध्यान रखना है आपको. इनपुट जो है वो कैपिटल में नहीं हो सकता, उसका कोई फर्स्ट लेटर भी कैपिटल में नहीं हो सकता, वो सारे लेटर्स कैसे रहेंगे, स्मॉल लेटर में. सेम ईयर आपका जो डेटा टाइप है वो भी स्मॉल लेटर्स में मेंशन रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. अब ये हो गया और इनपुट फंक्शन क्लोज. अब हम यूजर से वैल्यू एंटर करवा चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, प्रोसेसिंग का. सो प्रोसेसिंग के लिए हमें ये कैलकुलेशन करानी है, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो किसी वेरिएबल में सेव करवाना है. तो यहां पर सपोज कीजिए हम उस वेरिएबल को ले लेते हैं एफ. एफ में जो कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो आकर किसमें सेव होगा, एफ में. तो यहां पर कैलकुलेशन के लिए हमें ऑलरेडी फॉर्मूला दिया गया है कि जो भी वैल्यू सेल्सियस में होगी वो मल्टीप्लाइड बाय 1.8 प्लस 32. अब सेल्सियस में जो वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो हमने कहां सेव करवाई है, इस वेरिएबल में सी में. तो यहां क्या लिखेंगे, सी मल्टीप्लाई 1.8 प्लस 32. ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं, यानी प्रोसेसिंग हो जाएगी. प्रोसेसिंग के बाद जो आंसर आएगा वो किस में सेव हो जाएगा, एफ में. अब कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद आंसर कहां सेव हो चुका है, एफ में. अब हमें अभी आउटपुट दिखाई नहीं देगा यूजर को, क्योंकि सीपीयू कैलकुलेशन जरूर कर चुका है, लेकिन क्योंकि अभी उसको बोला नहीं गया है कि आप आउटपुट शो करें तो वो शो नहीं करेगा. तो आउटपुट शो करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं, प्रिंट. ध्यान रहे इसका भी पी कैपिटल नहीं होगा. सो प्रिंट यहां पर आप क्या लिखेंगे, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि दी टेम्परेचर आफ्टर कन्वर्जन, जो कि डबल या सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा, तो टेम्परेचर आफ्टर कन्वर्जन विल बी. और फिर ये तो हमने बस मैसेज लिखा है, एक्चुअल में टेम्परेचर कन्वर्जन के बाद कहां सेव हुआ है, एफ में. तो यहां हम क्या लिखेंगे, कॉमा एफ. दैट्स इट, बन गया प्रोग्राम. सिंपल, तीन लाइन का प्रोग्राम है. हमने एक लाइन में क्या किया है, इनपुट लिया है, दूसरी लाइन में क्या करवाई है, प्रोसेसिंग करवाई है, और थर्ड लाइन में क्या करवाया है, आउटपुट प्रिंट करवाया है. सो लेट्स चेक, इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसे पाइथन में रन करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वेरिएबल में फ्लोट डेटा टाइप का, फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू इनपुट करवानी है यूजर से. यहां देखिए हम कुछ भी मैसेज पास कर सकते हैं, टेम्परेचर एंटर करें सेल्सियस में,
एंड देन क्लोज दिस, ऐसा भी करवाएंगे। अच्छा ये ओके सॉरी, हम अभी शेल मोड में काम कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं सारा का सारा प्रोग्राम आपको एक साथ एग्जीक्यूट कराना चाहती हूँ। शेल मोड में क्या होगा, हर लाइन के बाद आपका जो है ना आउटपुट शो होगा। आई डोंट वॉन्ट दिस, हम स्क्रिप्ट मोड में स्विच कर जाते हैं जहां हम प्रोग्राम को सेव कर पाएंगे। एंड देन कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस में क्या करना है, एफ इज इक्वल टू सी इंटू 1.8 प्लस 32। अब सिर्फ हमें प्रिंट करवाना है क्या एफ की वैल्यू, कन्वर्ट होने के बाद टेम्परेचर है जो भी है आप जो भी लिखवाना चाहते हैं। ये वाला कॉलम जो है ना आपका सिंटेक्स वाला नहीं है, ये बस मैसेज को अच्छा दिखाने के लिए, यहाँ आप जो भी लिखेंगे इक्वल टू लिखेंगे तो इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा, कॉलन लिखेंगे तो कॉलन प्रिंट हो जाएगा। एंड देन कॉमा और वैल्यू कहाँ जाकर सेव हुई है, एफ में, तो यहाँ पर हम साथ में क्या प्रिंट कराएंगे एफ, ताकि वो वैल्यू वहां प्रिंट हो सके। ये तो सिर्फ मैसेज था, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। उसके लिए से पहले इसको सेव करना होगा, लेट मी चेक द आउटपुट। ये क्या है, इसके हम क्या कर सकते हैं, या तो रन पे क्लिक कर सकते हैं, रन मॉड्यूल, या मैं सीधा शॉर्टकट की क्या प्रेस कर सकती हूँ F5। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या आया, टेम्परेचर एंटर करें सेल्सियस में। अब मान लीजिए हम एंटर कर देते हैं कुछ भी, सपोज 16, आई एम प्रेसिंग एंटर। अब कन्वर्ट होने के बाद जो टेम्परेचर है वो कन्वर्ट होके आ गया है फारेनहाइट में। अब देखिए यहाँ पर ना एफ नहीं लिखा रहा कि ये कन्वर्जन के बाद पता चले कि जो टेम्परेचर है वो फारेनहाइट में है, तो उसके लिए मैं अपने प्रोग्राम में थोड़े बहुत चेंजेस और करके कर सकती हूँ। उसके लिए देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, फिर से कॉमा लगाइए, फिर मैसेज पास करवा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए एफ, सो दैट अब की बार सपोज अगेन आई एंटर 16। अब देखिए बाद में क्योंकि हमने मैसेज में एफ प्रिंट करा दिया तो बस बाद में से लिखा आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को बेटर कर सकते हैं, दैट्स इट। तो इसके मेन मेन बातें तो सिर्फ यही थी, बाकी तो एड ऑन था कि आप यूजर से इनपुट लेंगे, उसका डेटा टाइप बताते हुए इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, अंदर आप क्या पास करेंगे, मैसेज पास करेंगे प्रोग्राम यूजर के लिए, और यहाँ कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाएंगे, और फिर आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, दैट्स इट। सो पहला प्रोग्राम हो गया, अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए सेकेंड प्रोग्राम कितना ज्यादा ईजी है, प्रोग्राम टू कन्वर्ट किलोमीटर यूनिट टू मीटर। हमें क्या पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 1000 मीटर। अगर हमें ये बात पता है तो बाकी तो बहुत इजी है, हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है किलोमीटर को किस में, मीटर में। दैट मींस यूजर किस में वैल्यू एंटर करेगा, किलोमीटर में। तो हमें एक वैल्यू चाहिएगी किलोमीटर्स में यूजर से। अब हमारी चॉइस है कि हम जो वैल्यू चाहते हैं वो पॉइंट में भी चाहते हैं या सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहते हैं, तो जैसा भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप ले लीजिएगा। अब मुझे पता है पिछले वाले एग्जांपल मैंने फ्लोट टाइप करवाया था, इस वाले एग्जांपल को मैं इंटीजर से करवा देती हूँ। सो हम कोई वेरिएबल लेंगे, सपोज लेट इट बी ए, जिसमें आप यूजर से वैल्यू एंटर करवाने के बाद सेव करवाएंगे। सो ए इज इक्वल टू डेटा टाइप क्या, इंटीजर, और क्योंकि यूजर से इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन, यहां पर यूजर के लिए मैसेज पास करेंगे कि प्लीज एंटर द वैल्यू इन किलोमीटर्स एंड देन क्लोज द फंक्शन। आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा, इनपुट हो गया, अब क्या होगी कैलकुलेशन परफॉर्म होंगी, कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो भी किसी वेरिएबल में सेव होगा। तो मान लीजिए वो वेरिएबल है बी, सो बी इज इक्वल टू, अब क्या करना है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर वाली वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 के साथ, ये तो प्योर मैथमेटिक्स है। तो हमारी किलोमीटर वाली वैल्यू आकर किसमें सेव हुई है, ए में, तो हम ए के साथ कैलकुलेशन परफॉर्म करवाएंगे, वी विल मल्टीप्लाई ए बाय 1000। अब हमारा जो ए वाली वैल्यू थी जो कि किलोमीटर में गिवन थी, अब वो 1000 से मल्टीप्लाई होने की वजह से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर में, और कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद वैल्यू आकर किसमें सेव हो जाएगी, बी में। अब उसे प्रिंट करवा लेते हैं, सो प्रिंट वैल्यू, ये डबल कोट्स है मेरी, ओके, सो वैल्यू आफ्टर कन्वर्जन इज कॉमा, कहां सेव हुई है वैल्यू, बी में, और मैं इसके पीछे अगर यूनिट भी लिखवाना चाहती हूँ तो फिर से कॉमा लिख के एक स्ट्रिंग में वैल्यू मैं लिख देती हूँ कि दिस इज इन मीटर्स, सो एम, एंड क्लोज दिस। अब इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, वेरिएबल लिया ए इज इक्वल टू, वहां पर क्या किया इंटीजर टाइप का डेटा पास करवाया और उसमें यूजर से इनपुट लिया, इसलिए इनपुट फंक्शन का यूज किया, और यहां पर मैसेज काइंडली एंटर वैल्यू इन किलोमीटर, फंक्शन क्लोज, नाउ परफॉर्म द प्रोसेसिंग पार्ट। उसके लिए क्या करना है, वैल्यू कहां से हुई, ए में आकर ए को मल्टीप्लाई करवाया 1000 के साथ और फिर प्रिंट करवा दिया, प्रिंट आउटपुट के लिए क्या यूज किया, प्रिंट फंक्शन, किसमें सेव हुआ है, बी में, कॉमा से यूनिट मेंशन करने के लिए स्ट्रिंग में वैल्यू पास कर दी एम, एंड क्लोज प्रिंट फंक्शन, सेव इट एंड रन इट, F5 प्रेस किया और ये आ गई हमारी आउटपुट स्क्रीन, काइंडली एंटर द वैल्यू इन किलोमीटर, सो आई एम एंटरिंग सपोज 5, तो क्या आना चाहिए आंसर, 5000 मीटर्स, लेट्स चेक, एंटर, डिस्टेंस इन मीटर इज 5000 मीटर।
नेक्स्ट प्रोग्राम। अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम टू इनपुट 5 नेम्स फ्रॉम द यूजर। अगला प्रोग्राम और भी इजी आ गया। अब इसमें क्या है कि आपको यूजर से इनपुट लेना है, कोई भी 5 नेम्स इनपुट करवाने हैं। अब देखिए, थोड़ी देर पहले हम क्या कर रहे थे, जब हम यूजर से इनपुट मेंशन करवा रहे थे, इनपुट ले रहे थे, तो वहां हम डेटा टाइप मेंशन करवा रहे थे कि इंटीजर है कि फ्लोट है। लेकिन अब स्ट्रिंग की क्या खासियत है, क्योंकि नेम्स जो है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, तो इसलिए स्ट्रिंग की खासियत ये है कि अगर हम डेटा टाइप मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो कैसी वैल्यू लेता है? स्ट्रिंग। तो अब देखिए, अगर मेरे को 5 नेम्स एंटर कराने हैं तो मुझे कितने वेरिएबल्स चाहिएंगे? 5। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप मेंशन करने के लिए स्ट्रिंग कीवर्ड की जरूरत नहीं होती। सो लेट अस एंटर फर्स्ट नेम, दैट इज सपोज डूबी, नेक्स्ट नेम पैंथर, नेक्स्ट नेम स्नाइपर, नेक्स्ट नेम रोबो, नेक्स्ट नेम टैकी, एंड दैट्स इट। तो 5 नेम्स हमने एंटर करा लिए। उसके लिए हमने क्या किया, वी जस्ट यूज द इनपुट फंक्शन विदाउट एनी डेटा टाइप, और जितने भी नेम्स, जितने भी नाम एंटर कराने थे, उतने ही हमने क्या ले लिए, वेरिएबल्स, उन डेटा, उन वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए। दैट्स इट। ये सबसे इजी प्रोग्राम था। नेक्स्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एक बार हमें लॉजिक लगाना आ जाए तो कुछ नहीं है। देखिए, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है। किसका? स्क्वायर का। हमें यह पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के, एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। दैट मीन्स अगर मुझे एक बार को साइड पता चल जाए तो एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो यूजर से हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक साइड। तो यूजर से हम एक वैल्यू इनपुट करवाएंगे, सपोज कीजिए उसको वेरिएबल एस में सेव करवा रहे हैं, और उसका डेटा टाइप आप फ्लोट भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, दैट इज अप टू यू, वो आपकी चॉइस है। मैं इंटीजर ले रही हूँ। इंट, ऑफ कोर्स आपकी साइड की वैल्यू पॉइंट में भी हो सकती है, तो आप डेटा टाइप फ्लोट ले सकते हैं। सो इंट इनपुट एंटर साइड, यूजर को बताइए कि यहां पर आपको साइड एंटर करनी है, एंटर साइड ऑफ स्क्वायर, एंड देन अब क्या है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाएंगे। सपोज मैंने वेरिएबल लिया AR, आप एरिया भी ले सकते थे, ए भी ले सकते थे, स्मॉल ए भी ले सकते थे, दैट इज अप टू यू। एरिया इज इक्वल टू हमारी साइड जो हमने एंटर करवाई है वो किस में सेव हुई है, एस में। सो एस मल्टीप्लाइड बाय एस, एंड देन अब जो कैलकुलेशंस के बाद वैल्यू सेव हुई है वो कहां, कौन से वेरिएबल में सेव हुई है, AR में। देखिए, पाइथन केस सेंसिटिव है, अगर मैंने यहां पर कैपिटल A और स्मॉल R लिया है तो प्रिंट करवाते टाइम भी मुझे इस चीज का ख्याल रखना है। सो प्रिंट एरिया इज या एरिया ऑफ स्क्वायर इज, दैट इज अप टू यू, एंड देन कॉमा, कौन से वेरिएबल में, AR में। दैट्स इट। ये हो गया प्रोग्राम। अब इसे प्रैक्टिकली करते हैं। हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लिया s, इसमें क्या करवाया, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप इनपुट करवाया, और यूजर को मैसेज पास किया एंटर साइड ऑफ द स्क्वायर, एंड देन क्लोज द इनपुट फंक्शन। यहां पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करवानी है, सपोज AR ले लिया, उसके लिए AR इज इक्वल टू क्या है, वैल्यू कहां से हुई आकर, S में, S मल्टीप्लाइड बाय S, एंड देन एंटर। अब हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर इज कमा, कहां से हुआ आके, वो AR में, AR, क्लोज प्रिंट फंक्शन। So enter the side of the square. Suppose I am entering 4, it is giving us the area 16. अच्छा, इसमें एक और चीज देखिए, अगर मैं इसको फिर से रीरन कराती हूँ, और यहां पर जब मैं साइड, हमने कैसा डेटा टाइप लिया था, इंटीजर। अब अगर इंटीजर डेटा टाइप लेने के बाद अगर मैं आउटपुट के टाइम फ्लोट वैल्यू दूं, ये एरर शो करेगा। एरर इज, आपने वो बताएगा, याद दिलाएगा कि देखिए, आपने इंटीजर टाइप का डेटा एंटर करवाने के लिए बोला था, तो आप वैल्यू एरर कर रहे हैं कि इनवैलिड लिटरल ऑफ इंट टाइप। आप वैल्यू तो पॉइंट में एंटर कर रहे हैं, फ्लोट वैल्यू एंटर कर रहे हैं, बल्कि आपने डेटा टाइप कैसा डिफाइन किया था, इंटीजर का। तो आप ये ध्यान रखेंगे, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप डिक्लेरेशन के टाइम पे ही वहां पर ही बताएंगे कि आप फ्लोट टाइप का डेटा चाहते हैं। ओके, लास्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम टू एड टू नंबर्स। हमें क्या चाहिए, यूजर से 2 नंबर्स चाहिए, तो उन्हें 2 अलग अलग वेरिएबल्स में सेव करवाएंगे। सो ए इज इक्वल टू डेटा टाइप इंटीजर, इनपुट फंक्शन, यूजर से वैल्यू एंटर कराने के लिए आप क्या यहां मैसेज देंगे, एंटर फर्स्ट नंबर या एंटर अ नंबर, जो भी लिखना चाहते हैं दैट, क्लोज द फंक्शन।
सेकंड वेरिएबल लेंगे, फिर से यूजर से इनपुट लेंगे, इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ओके। देन अब क्या है कैलकुलेशन पार्ट, सी इज इक्वल टू एड कराना है तो ए प्लस बी, फिर हमें क्या कराना है आउटपुट को प्रिंट, वैल्यू आफ्टर एडिशन इज या सम इज, जो भी लिखना है आपका मैसेज यहां पर वो लिख लीजिएगा, कॉमा कहां सेव हुआ है वो सम आकर सी में, सो सी, दैट्स इट। इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, बी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, अब यहां पर उसे प्रिंट करवा लीजिए, प्रिंट सर जो भी करना चाहते हैं, आंसर इज आंसर आफ्टर एडिंग इज कॉमा, किसमें सेव हुआ है वो सी में, सो दैट्स इट। इसे सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं F5, सो एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर सपोज इन अनदर नंबर 20, so you got the result, answer after adding is 30, that's it, that's all for today, keep practicing, इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, जिसके पास जिसने पाइथन इंस्टॉल कर रखा है अच्छी बात है, जिसने पाइथन इंस्टॉल नहीं कर रखा और भी बहुत तरीके हैं, आप ऑनलाइन जाकर भी ऐसा कर सकते हैं, लाइक प्रोग्रामीज यहां पर लिखे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, फर्स्ट लिंक programmees.com पे क्लिक कीजिए, यहां पर आपका इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो यहां पर आप अपना कोड टाइप कर सकते हैं, लाइक ये आप इसे रन कराएंगे तो यहां पर ये आउटपुट आ गया, अगर मैं इसकी जगह कुछ और प्रिंट करवाती तो मेरा वो आउटपुट आ जाता, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, जो भी मतलब यहां हम प्रोग्रामिंग करते जैसे आप पाइथन में कर रहे थे, यहां साथ साथ आपका आउटपुट शो होता रहेगा लाइक दैट, तो यहां जो भी प्रोग्राम्स आपने लिखे थे लाइक फॉर एग्जाम्पल लास्ट वाला रन करके देखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, Have a nice day and keep watching, keep practicing and do not forget to subscribe the channel. Thank you once again.